हे भगवान, घोर कलयुग कुछ भी भला कोई ऐसा भी कर सकता है? तोबा। अरे क्या हो गया, पागल हो गए क्या, बड़बड़ाई जा रहे हो? कुछ भी। अरे मेरी रामकली, कोई पागलपंती का दौरा वोरा नहीं पड़ा है। अखबार में खबर छपी है कि एक पति ने पत्नी के कहर से परेशान होकर अपनी पत्नी का, मतलब अपनी पर्सनल पत्नी का कान काट के खा लिया। ऐसा भी कोई कर सकता है? सोचो अब वो बेचारी अबला नारी कैसी दिखती होगी एक कान के बगैर। हाँ, और अभी तो रुको, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सभी बाकी वो बेचारी एक कान के बगैर कैसी दिखती होगी, बहुत गलत हुआ उसके साथ। लो ये अखबार मुझे दो एक बार। क्यों, तुम क्या करोगी? अच्छा, किचन में स्लैब पर बिछाने के लिए ले रही हो? अरे उसके लिए तो पुराने अखबार ले लो, ये आज का ताजा अखबार है और मैंने अभी पूरा पढ़ा भी नहीं है। अरे नहीं, मैंने ये किचन में नहीं बिछाना। तो फिर? अरे इस अखबार में जो न्यूज छपी है ना, मैं उसकी पिक खींच के अपने व्हाट्सएप पे लगाऊंगी और अपनी सहेलियों को भेजूंगी, ताकि वो भी बिचारी अपने पतियों पर अत्याचार ना करें। मैं भी तुम्हारे पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी अब। नहीं, तुम काम कर लो। अरे तुम दो मेरे को। अरे तुम नहीं। अरे दो ना। नहीं। अरे दो। अरे इसमें वो खबर तो है ही नहीं जो आप मुझे बता रहे हो, कान काटने वाली। अच्छा अब मैं समझी बच्चू, ये तो आपके दिमाग का खेल है। मतलब आप मेरा कान काटना चाहते हो? हैं, कान काटना चाहते हो आप मेरे? मतलब ये इतनी हिम्मत आपकी कि मेरा कान काटोगे आप? आज तो कान काटोगे, कल को मेरी गर्दन काटोगे। अब मैं समझी, अब बच्चू तू बच। कान काटोगे मेरा? कान काटोगे? कान काटोगे? डोरबेल बज रही है, कोई आया देख लो। शुक्र है डोरबेल बज गई, वरना ये चुड़ैल तो आज मेरे को ढोल की तरह बजाती रहती। राम दोस्तों देख के रहे हो, आखिर तक देखना वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। मम्मी। अरे दक्ष बेटा, तुम अचानक से फोन कॉल भी नहीं किया, सरप्राइज। अरे मम्मी ठंड कितनी बढ़ रही है और ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए हमारे स्कूल वालों ने पूरे एक महीने की छुट्टी कर दी। इसलिए मेरे सारे फ्रेंड्स तो मनाली घूमने जा रहे थे और मेरे को आपके बहुत याद आ रही थी, तो मैं आपके पास मिलने आ गया। अरे वाह बेटा। अरे नहीं मम्मी, मैं अभी बाहर से आया हूँ और आपको पता है ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैला है, तो मैं पहले नहाऊंगा एंड फिर आपसे मिलूंगा। अरे वाह बेटा, मेरा बेटा तो कितना समझदार हो गया। अरे नहाया है बेटा? हाँ मम्मी नहाया। अरे बाप रे, कितना कमजोर हो रहा है मेरा बेटा, हॉस्टल में खाना वाना नहीं मिलता क्या अच्छे से? अरे मम्मी खाना तो बहुत अच्छा मिलता है, पर आपके पराठों की बहुत याद आती है मेरे को। अरे मैं अभी बना देती हूँ अपने बेटे के लिए। और मम्मी हरी वाली चटनी भी बना देना। ठीक है बेटा अभी लाई। क्या कर रहे हो? ले आए मम्मी। हाँ लो खाओ। कैसे बने हैं? अच्छे बने अम्मी। अरे वाह रामकली, पराठे बनाए हैं। और क्या, मेरा बेटा आया इतने दिनों में। मम,
मम्मी बड़े अच्छे हैं। अच्छे बने हैं? खा। मुझे भी दे दो एक दो। नहीं, डॉक्टर ने मना किया ना तुमको? डॉक्टर ने मना किया? साला मैं आज तक कभी डॉक्टर के पास गया नहीं, तो मना कैसे कर दिया? फिर क्यों मना कर रही है मेरे को पराठे देने के लिए? छोड़ यार, ज्यादा जिद करूंगा तो फिर धमाई कर देगी। तुम चटनी खा सकते हो रोटी के साथ, पराठा नहीं, मेरा बेटा खाएगा। और ले आओ। नहीं मम्मी बस। एक और ले ले। नहीं मम्मी बस। ला मैं खिलाती हूँ अपने बेटे को। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और दक्ष बेटा, अच्छे से पेट भराना तेरा। हाँ मम्मी, अच्छे से भर गया, पराठे भी बहुत अच्छे बनाए थे आपने। लेकिन बेटा मैं पराठे रोज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, उसमें हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, सीजन के फ्रूट खाने चाहिए, ठीक है ना बेटा? और हरी सब्जियाँ खूब सारी खानी चाहिए, ठीक है ना बेटा? मैं रोज आपके लिए साथ ताजी ताजी सब्जी लाऊंगी और आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है मम्मी, आप रोज बना दिया करना और मैं रोज खा लूंगा। ओके बेटा। ये तुम्हारी सब्जी मंडी की बातें हो गई हो, तो कुछ मैं भी बात कर लूं अपने लाडले से। अरे हाँ हाँ, मैंने कब मना किया है, करो आप बातें। और बेटा दक्ष, आगे का तूने क्या सोचा है? क्योंकि इस साल तू 12वीं पास कर लेगा, तो आगे लाइफ का क्या प्लान बनाया बेटा? पापा मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2-3 फॉरेन लैंग्वेज सीख लूंगा। फॉरेन लैंग्वेज? पर वो क्यों बेटा? पापा मैं 2-3 फॉरेन लैंग्वेज सीख के फिर फॉरेन में अपनी फर्दर स्टडीज करके और फिर वहीं पे एक अच्छी जॉब ढूंढूंगा। बेटा अपना ज्ञान बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, तू सीख फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन बेटा एक बात बता, क्या तूने अपने भारतीय भाषाओं का ज्ञान ले लिया? अरे पापा, भारत की भाषाओं को विदेश में कोई नहीं पूछता। बेटा तू जो करना चाहता है वो कर, लेकिन अगर मेरे तजुर्बे की बात सुनेगा और तुझे अच्छी लगे तो वो मान लियो। तो क्या बेटा? तो जो तेरा दिल करे तू वो करियो, वो सीखियो। ठीक है पापा, बताओ अपना तजुर्बा, अगर आपका तजुर्बा मेरे प्लान से अच्छा हुआ तो मैं आपके तजुर्बे को अपना लूंगा। ठीक है बेटा, तो सुन, जब तक तू हमें अपना माँ बाप मानकर एक अच्छे संस्कारी बच्चे का फर्ज नहीं निभाएगा, जब तक दुनिया में तेरी अच्छी पहचान नहीं बनेगी बेटा। पापा घर के संस्कारों का लाइफ के सक्सेस से क्या लेना देना, और मैं तो आप दोनों को भगवान ही मानता हूँ। नहीं बेटा, हमें भगवान मत मान, क्योंकि ये दुनिया भगवान को एक पत्थर की मूर्ति बनाकर मंदिर में रख देती है और 24 घंटे में एक दिन में सिर्फ एक बार हाथ जोड़ के भगवान को ब्लैकमेल करती है। मैं समझा नहीं पापा, आपका तजुर्बा आपने तो मुझको कंफ्यूज ही कर दिया है। अरे सुन बेटा, जब तक तुम भारत में रहकर अपनी भारतीयता का कदर नहीं करोगे, भारतीय संस्कृति भारतीय भाषाओं को नहीं सीखोगे, तब तक विदेश में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होगी। तू विदेश में जाकर पैसा तो बहुत कमा सकता है, लेकिन बेटा फिर हमारा क्या? मेरा मतलब है, कल को हमें कोई हारी बीमारी हो गई तो हमारा हालचाल पूछने के लिए तू ज्यादा से ज्यादा एक फोन कॉल करेगा, वो भी तेरे पास टाइम हुआ तो। और वहीं अगर तुझे कुछ तकलीफ हो गई, तू बीमार पड़ गया, तो बेटा हम टाइम पे वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए बेटा ये सोच भारत में, विदेशी अगर पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं और तो वो भारत में नौकरी भी करते हैं, बेटा भारत में भी जिंदगी कामयाबी का बहुत बड़ा स्कोप है। और बेटा जब तू यहाँ पर काम करेगा, यहाँ भले ही तू पैसा थोड़ा कमाए, लेकिन शाम को आकर जब हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा तो हमें बहुत सुकून मिलेगा बेटा। मेरा तजुर्बा और शिक्षा तो यही है, बाकी फाइनल फैसला मैं तुझ पे छोड़ता हूँ, जो तेरा दिल करे वो कर बेटा। अरे पापा आपने तो मेरी आंखें खोल दी, और मैं अपनी सारी आगे की स्टडीज इंडिया से ही करूंगा और मैं कामयाबी इंडिया से ही पाऊंगा। आ मेरा राजा बेटा, तुमने कितने अच्छे से इसका मार्गदर्शन किया, आज तो मुझे ना तुम पर बहुत गर्व हो रहा है, गर्व। अरे रामकली, मैं चाहता हूँ
हमारा बेटा राम बने। राम? मतलब ये राम बनेगा? क्या सीन है? और तुम दशरथ? हाँ? वाह क्या सीन है? दशरथ? दशरथ की तो तीन रानियां थी। अबे ओ गोचू, मैं सब समझ गई। तुम दशरथ बनके दो शादियां और करना चाहते हो, क्योंकि उसकी तीन रानियां थी, एक तो मैं होगी तो दो और। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। सुनो, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम दशरथ बनोगे और दो शादियां और करोगे, क्योंकि उसकी तीन रानियां थी, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। सुन लियो, जिंदगी तो ऐसी है। ये फिर शुरू हो गई। हे गाइस, दोस्तों ये था हमारा एपिसोड 2 पत्नी का कहर। इसमें हमने अभी प्रेजेंटली ओमिक्रॉन वायरस से रिलेटेड कुछ आपको खास जानकारी दी है, एक अच्छा मैसेज दिया है और सभी के फायदे की बात है। बच्चों के खाने पीने पर कितना ध्यान रखना है ये भी हमने बताने की कोशिश करी है, शायद आपको ये अच्छा लगेगा। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना, और हमारी वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। गाइस सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना।